नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। झटका, जब जब झटके के बारे में डिबेट चलती है तब तब हम टीवी स्क्रीन पर एक ही दिग्गज पर्सनैलिटी को हम देखते हैं, वो है रविरंजन सिंह जी। स्वागत है सर आपका। राम राम, सत श्री अकाल। सर ये बताइए, जानवर तो मर गया जी, क्या फर्क पड़ता है झटके से मरे या हलाल से मरे? देखिए, हलाल या झटका ये खाली जानवर को मारने की बात नहीं है, ये एक विचार पद्धति है जी। आप किस विचार से चलते हैं, क्या आपकी सोच है, और हलाल केवल मांस मीट तक सीमित नहीं है। अब जानवर की आप बात कर रहे हैं, मीट की आप बात करते हैं, उसी पे हम आते हैं। मर गया तो ठीक है, मैं 1000 आदमी से पूछता हूं, आपसे और अपने से भी, कि दो मौत हैं आपके सामने, एक गोली मार तलवार से सिर काट दो, या आपको तड़पा तड़पा के किश्तों में इंच बाय इंच मारो, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली तो जो गोली में ही, गोली में, एक झटके में, एक झटके जिसमें कम होता है, जिसमें दर्द कम। तो यही जानवर के ऊपर भी है, जब वो तड़प रहा है तो उसकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, रासायनिक बदलाव आते हैं उसमें, उसकी ब्लड केमिस्ट्री बदलती है, एल्ड्राइन या क्या 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 उसको केमिकल्स हैं वो बनते हैं, सीक्रेट होते हैं। दूसरी बात, वो जिस पद्धति से काटा जा रहा है, वो काटने वाले को भी इस तरह मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आप तड़पा तड़पा के काटिए। तो ये तो आप कहते हैं क्या फर्क पड़ा, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, जब हम अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि हलाल का मतलब मीट, और हम तो हलाल खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम इस प्रोपोगंडा वार में बह चुके हैं कि बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा ये होता है, वो होता है। तो इसका मतलब है कि आप मुसलमानों के खिलाफ काम करना स्टार्ट करते हैं? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। देखिए, वो उसका मतलब तो कहीं ना कहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, यही बैठता है। मैं अपने को बचाने की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, क्या मुसलमान अपने नहीं है? अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं। जब तक वो मेरे को अपना समझ रहा है, वो मेरे ही हैं। मगर जब उसने मुझे पराया समझ लिया, जहाँ ये हो गया कि काफिर को मार ही दो या वो हो, ये विचारधारा की बात है, ये उसका अपना निजी मामला है, वो उसका अपना फेथ है, वो अगर उसको ऐसे करना चाहे। मैं तड़पाने को अच्छा नहीं समझता, वो क्या समझते हैं ये वो जानते हैं, मैं उनके ऊपर कहने वाला अथॉरिटी नहीं हूँ कि आप तड़पा के मारिए, ऐसे मारिए। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आदिकाल से झटका होता आया, इस्लाम आया, अपने साथ हलाल लाया। मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वो जो पद्धति है, आई है, वो जो उसको मानते हैं उन तक तो ठीक है, मगर उसको हमारे ऊपर मत ला दिए, इसको हमारे को हमारे तरीके से लेना चाहिए, और उसमें क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन क्या खा रहा है। अभी आपने कहा जी आप मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है इस होटल पे हलाल मांस मिलता है, हाँ, तो क्या वो मेरे खिलाफ है? नहीं, वो मुझे चेतन कर रहा है कि यहाँ पे हलाल मिलता है, अब आप खाना चाहें आपकी मर्जी, ना खाना चाहें आपकी मर्जी। इसी तरह हम झटके का सर्टिफिकेट देते हैं वो मुसलमान, हाँ, इसी बात पे आने वाला था। जो झटके की सर्टिफिकेट आप देखिए, ये मेरे हाथ में है, तो ये जो झटके की सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब इसमें क्या बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वही बता रहा हूं, अगर कोई झटके की सर्टिफिकेट आपसे ले, पहले देखिए पहली चीज तो लाइफ वैल्यू फाउंडेशन जी, ठीक है ना, ये आपका जो है झटका सिंगल स्ट्रोक सर्टिफिकेट जी जी। तो ये सर्टिफिकेट आप देते हैं, इसमें क्या मतलब, इसमें अगर पहले कोई भी पहले बेनिफिट क्या है? पहले तो उसको ये पता है जो लेने वाला है उसको, कि मैं झटका ले रहा हूँ, जिसने झटका लेना है वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि मैं झटका खरीद रहा हूँ, उसका डाउट खत्म हो गया, उसकी शक खत्म हो गया, वो एक दुविधा से बाहर आ गया जी। अभी आपने कहा जी आप मुसलमानों के खिलाफ का, ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है वहाँ से वो मुसलमान भी उस दुविधा के बाहर आ गया, उसे भी बिल्कुल पता है कि ये झटका है, अब उसने नहीं लेना तो वो ना ले, यदि लेना चाहता है तो उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मगर हमने उनको क्लियर बिल्कुल साफ कह दिया कि साहब ये झटका है, अब लेना ना लेना आपकी मर्जी है। जैसे वो संदेश जाए ताकि झटका है या ना, ना
बाकी लेना ना लेना मतलब जिनको लेना है वो ले, जिनको ना लेना है मतलब जैसे आजकल हमें निशान लगा देते हैं कि ये लाल निशान है, ये नॉन वेज है, और हरा निशान है ग्रीन निशान है, तो वो ये वेज है। वेज अब इसमें हम कहें अगर हम ग्रीन निशान लगा देते हैं तो हम नॉन वेज के खिलाफ हैं, या लाल निशान लगा देते हैं तो हम वेज के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। लाल निशान लग गया इसका मतलब अगर मेरे को नॉन वेज लेना है ले सकता हूँ, और नहीं लेना तो छोड़ सकता हूँ, तो ये दोनों को फायदा होगा। तो इसमें ये नहीं कि हम इसके खिलाफ हैं या उसके खिलाफ हैं, हम एक सच्चाई से लोगों को अवगत कराते हैं कि हलाल ये है और झटका ये है, और हलाल केवल मांस तक नहीं सीमित, इस्लाम के हिसाब से दुनिया की हर चीज, हर कंसेप्ट, हर प्रोडक्ट या हलाल है या हराम। तो जहां तक हलाल हराम की बात है, परमिसिबल, वो जो इस्लाम में परमिसिबल है वो जरूरी नहीं मेरे लिए भी परमिसिबल, और उनका हलाल यानी उनकी परमिशन और मेरी परमिशन अलग है जी। कहीं पे गाय खाना अलाउड है, वो उनके लिए हलाल हो सकता है, ठीक है, मगर कहीं पे नहीं अलाउड तो उसके लिए वो हराम है गाय। अब ये भाषा का फेर है, आप उसको इन नाजायज कह दो, जायज कह दो, परंतु उसको वो नहीं लेना चाहिए। अपने अपने विचार, अपने धर्म, अपने पंथ को मानते हुए उसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए हलाल और हराम काल, स्थान, परिस्थिति और व्यक्ति पे बदल जाते हैं। भारत के अलावा क्या कोई दूसरे कंट्री भी है जो इसमें? देखिए इस्लामिक कंट्रीज में तो हलाल मैंडेटरी है, यहाँ से जो भी आप सामान भेजते हैं चाहे वो खाने पीने में, मैंने कहा ना मांस तक नहीं सीमित, चाहे वो नमकीन हो या कोई दवा हो, उन सब के लिए हलाल होना जरूरी है जी, ठीक है। अब जहां तक दूसरे हैं पोलैंड, डेनमार्क, और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका की, वहां पे हलाल बैन है। वही मैं बोलने वाला था आपका, मैं सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ आपका वीडियो, उसमें मैं देखा था मैं जी, जी। तो उसमें मुझे पता चला कि श्रीलंका में जो है हलाल बैन है, और काफी सक्रिय रूप से आप इसमें काम कर रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा सक्रिय रूप से मैं उसमें काम कर रहा था, या मेरे कहने से श्रीलंका वालों ने ऐसा कर दिया। हाँ, ये मेरी एक कैंपेन जरूर है जो देश विदेश में लोग देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, सच्चाई से अवगत होते हैं कि ये इसके नुकसान हैं, इसलिए हमें हलाल, क्योंकि झटके की तरफ से कोई ऐसी प्रोपोगंडा मशीनरी नहीं काम कर रही जी। तो अक्सर लोग प्रोपोगंडा के प्रभाव में बह जाते हैं, प्रचार के प्रभाव में बह जाते हैं, और वही समझने लगते हैं जो उन्हें बताया जाता है। ये प्रचार तंत्र का आधुनिक काल का और आदि काल का दोनों में प्रचार तंत्र का एक बड़ा प्रभाव रहा है, वो तब भी था आज भी है। तो उस प्रचार तंत्र के खिलाफ हम एक सच की आवाज उठाते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो कई सारे वीडियो आपके वायरल भी हुए हैं, और मैं देखता रहता हूँ आपके वीडियोस, उसमें मतलब लोग जो है आपको झटका डॉक्टर भी कहने लगे। नहीं, मुझे भी इसके बारे में मित्र कहते हैं झटका डॉक्टर नहीं, डॉक्टर झटका है, डॉक्टर झटका है। अब ये उनका प्यार कह लो या उनका कॉम्प्लीमेंट कह लो। अब फूलों के लिए भी मैं हाथ जोड़ता हूँ जो मेरे पे फूल फेंकते हैं, और जो पत्थर फेंकते हैं उनको भी हाथ जोड़ता हूँ। खैर, मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता, ये झटके से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी आत्मा है, मेरा मिशन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और झटका के बारे में हम दर्शकों को अपने काफी से जानकारियां दी है। अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट, कोई भी आपके सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको जवाब देंगे। धन्यवाद।